Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. बस हो गया तुम्हारा हवा बिजली का खेल, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ, वंश छोड़ो इन्हें, रुक जाओ। रुक जाओ। बस बहुत हो गया खेल। Michel, my car. पैर पर गोली मारी है, एक कदम भी आगे बढ़ा तो छाती में गोली डाल दूंगा। चल चल चल, ये क्या कर रहा है, मेरे पैर में ग्रेड लग रहा है। सॉरी, चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। रुक जाओ, लेकिन जल्दी पकड़ो उन्हें, छोड़ो मत। केवल पंकज देखो तुम। सर हम लोग ठीक है सर। क्या बोलूं सर, बॉडी के अंदर पंजे ढीले हो गए। जल्दी चलते, पकड़े गए ना तो हमारा दी एंड है। और तेज नहीं चल सकता, इतना जबरदस्त करंट मारा है तूने, फिर पैर काम नहीं कर रहे। अरे सॉरी, बोला नहीं यार। फिकर मत कर, बस एक बार लैब तक पहुंच जाए हमारे सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे किसी और बात की फिक्र हो रही है। किस बात की? कि कहीं सीआईडी वालों को तेरे ठिकाने से कोई सुराग मिल गया तो? कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, देखना दीवार पे सर पटकते पटकते रह जाएंगे। फिर ठीक है, पहले चल अपनी मरम्मत करवाते हैं। बस आदमी से भी तो हिसाब किताब करना है जो हमें अब तक धोखा देता हुआ आ रहा है। सर, I'm sorry सर, वो मैंने मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो दोनों दोनों हाथ से निकल गए सर। भाग कर जाएंगे कहाँ? सर ये दूसरा आदमी अचानक कहाँ से आ गया हमें पता ही नहीं चला। हम तो सोच रहे थे इस जुर्म में बस एक ही मुजरिम शामिल है। सर वो दूसरा आदमी तो इतना खतरनाक है, वो बिजली के झटके देता है, जैसे अच्छे इंसान को भी नहीं छोड़ा। सर एक है जो हवा से तेज दौड़ता है और दूसरा अपने साथ बिजली लेकर चलता है। इन दोनों के पास ऐसी अजूबी शक्तियां आई कहां से होंगी सर? केविन, अगर उन दोनों के शक्तियों का राज इसी ड्रेन पाइप में छुपा है
इस ड्रेनेज पाइप का चप्पा चप्पा छान लो। फैल जाओ सब लोग। यहां से हटा दिया जाए और इसे वहां जोड़ दिया जाए स्वेतलाना, तो कैसा रहेगा? स्वेतलाना, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं तो? तुम कितने दिनों से घर नहीं गई हो? मेहनती हो ना, अच्छी बात है, मगर वर्क और लिखो ना बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेंट्रेट करो। क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या गप्पे मारने के लिए? सर वो क्या? और शर्ला, तुम इस मशीन का काम कल रात तक पूरा हो जाना चाहिए था ना? ये काम में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही? सर, दो दिन से लगातार काम कर रही हूँ, घर भी नहीं गई। इतना ना, नो एक्सक्यूजेस, आई एम नॉट गोना लिसन टू देम, ठीक है? और वैसे भी अगर तुम्हारा इससे काम नहीं हो सकता है तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? सर हो जाता, मगर एक्सेस कोड का क्या है? क्या दिक्कत आ रही है एक्सेस कोड में? सर एक्सेस कोड काम नहीं कर रहा और इस वजह से मैं इन्वेंटरी रूम से मशीन के कुछ हिस्से निकाल नहीं पाई। एक्सेस कोड यानी पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? Impossible. इसका पासवर्ड किसने चेंज किया? सर पासवर्ड बदला नहीं गया है, ब्लॉक कर दिया गया सर। ऐसे कैसे ब्लॉक हो सकता है? ओह माय गॉड, कहीं किसी ने हमारा सिस्टम तो हैक नहीं कर लिया? अभी भी सूत्रों से पता चला है कि शहर में एलियन से धावा बोल दिया है और मौत की हैरत अंगेज घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें पुलिस और सीआईडी दोनों काफी परेशान दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, शहर पे एलियन अटैक? एक एलियन हवा की गति से तेज चलता है तो दूसरा एलियन लोगों को बिजली के झटके देकर नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए लोगों से निवेदन है कि जब तक एलियन पकड़े ना जाए तब तक वो घर से बाहर ना निकले। अब मौसम का हाल, गर्मी से और कई क्षेत्रों में अब समझ में आए ये सब चक्कर क्या है, लेकिन मैं लोगों को इस तरीके से अपनी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। सर सर जल्दी आइए। हाँ पंकज, क्या सर? ये देखिए स्टेज का बेडरूम। हाँ लगता तो वैसे ही है। ढूंढो एक एक कोना छान मारो, अगर कुछ मिलना है तो यहीं पर मिलेगा। यहाँ पे एक स्विच जैसा कुछ है। सर, लाइट का स्विच होगा। पंकज, इतने पुराने ड्रेनेज पाइप में लाइट का स्विच कहां से आएगा? यार इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती, कुछ और ही चक्कर है, देखते हैं। लोगों ने आवाज सुना, लॉक खुलने की आवाज, दोबारा देखते हैं।
हाँ सर, आवाज तो आ रही है लेकिन कुछ खुला नहीं कहीं। कुछ न कुछ तो और जरूर है यहाँ पर, देखो आसपास अच्छी तरह से। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही स्विच है। किधर? हाँ, बिल्कुल वैसी आवाज, लॉक खुली है ऐसी। हाँ सर, लेकिन यहाँ कुछ खुला तो है नहीं। वही तो, ये सारा चक्कर है क्या सर? सर कहीं दोनों स्विचेस को साथ में तो नहीं दबाना है? ऐसा कैसे हो सकता है पंकज? इन दोनों स्विचेस के बीच में इतना डिस्टेंस है कि किसी भी एक इंसान के लिए दोनों स्विच एक साथ दबाना नामुमकिन लगता। मुमकिन है काविन, तेज के लिए मुमकिन है। तेज एक ही पल में यह स्विच दबाकर दूसरा स्विच दबा सकता है। एक काम करो, तुम ये स्विच दबाओ, मैं ये स्विच दबाता हूं, लेकिन एक साथ। यस सर। रेडी कमिन? यस सर। एक, दो, तीन। अरे वाह सर, कमाल हो गया, ये खुचा दरवाजा खुल गया सर। कुछ खोलो सर, ये तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? प्लीज पिक अप द फोन, भगवान के लिए प्लीज उठाओ फोन, प्लीज उठाओ फोन। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आफत आ गई है दीपक, आफत। तुम सेंट्रल सर्वर सिस्टम में जाकर लॉग ऑन करके देखो। सर मैंने कोशिश की थी मगर वहां भी सब ब्लॉक है सर। दिस इज वेरी बैड न्यूज दीपक। सर अब हमारे प्रोग्राम का क्या होगा सर? अब अगर हमें अपनी इन सारी मेहनत और अपने भविष्य को संभाल कर रखना है तो इसके लिए मुझे खुद जाकर उनसे मिलना होगा। पर सर आप उन तक कैसे पहुंचोगे सर? मुझे खुद कोई ना कोई तरकीब तो इसके लिए निकालनी ही होगी। आई हाँ मैं समझता हूँ इस चीज को, आई अंडरस्टैंड। ओके मैं बहुत टेंशन में, तुमसे बात बात, आई विल डील विद इट। सर 55 पासवर्ड डाल चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा कोई तुक्का नहीं लगा। सर अगर आप कहें तो किसी हैकर को बुलाएं। हाँ अगर हमसे नहीं हुआ तो हैकर की मदद तो लेनी पड़ेगी। और एक बार ट्राई करो। ओह नो सर, ये तो आखिरी चांस दिखा रहा है। इसका मतलब अगर एक भी बार गलत पासवर्ड टाइप किया तो ये खुफिया दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो क्या करें? एक मिनट, तेज के हाथ पर टैटू था ना? टैटू सर, उसके बीच में एक नंबर भी था। कहीं वो नंबर पासवर्ड तो नहीं? सर वो नंबर है TZ207। 207? नहीं है, 207 ही पासवर्ड नहीं? पंकज एंटर करो 207। खुल गया सर।
क्या क्या मिला तेज की तिजोरी में से? सर कुछ पैसे मिले हैं और ये बिना लाइसेंस की गन जो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है सर। और ये साथ साथ पासपोर्ट रखे थे सर इस तेज ने, वो भी अलग अलग नामों में, और हर दो महीने में ये यूरोप अमेरिका अफ्रीका कहीं ना कहीं जाता ही रहता था। सर हाँ। ये फोटो देखिए, तेज के बचपन की फोटो है अपने पिता के साथ। काफी पुरानी फोटोग्राफ लगती है, 20-25 साल पुरानी। एक मिनट, उस तेज के पिताजी के कोट पर कुछ है, जरा जूम करो फिर। ये तो किसी कंपनी का लोगो लगता है। इंटरनेट से पता लगाओ किस कंपनी का लोगो है। यस सर। ये देखिए सर, ये किसी ब्लू लाइन माइनिंग कंपनी का लोगो है जो राजपुर गांव में है। राजपुर गांव मतलब तेज की जड़ें इस राजपुर गांव में ही हैं। हेलो। हाँ ओ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अखिल की आंखों में जो दूरबीन वाला लेंस लगा था वो कहाँ बना है पता चल गया। कहाँ? क्यूबीएस इक्विपमेंट सर, जहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित सामान बनाते हैं स्पेस एजेंसीज के लिए। QBS इक्विपमेंट्स, तो फिर जाकर मिलो इस QBS इक्विपमेंट वालों से और जड़े खोदो इस तेज की राजपुर गांव जाकर। राजपुर इससे पहले कि तुम हमसे पूछो कि हम लोग चाय पिएंगे या कॉफी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग सीआईडी से और ड्यूटी के वक्त चाय कॉफी नहीं पीते। आप लोग सीआईडी से हैं साहब? हाँ साहब, मेरा एक काम करेंगे। क्या काम है भाई? साहब इधर है साहब। साहब मेरी बीवी मुझे बहुत सताती है साहब, दिन भर काम करके जाता हूँ तो मुझसे झाड़ू लगवाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी वाइफ भी तो मुझसे वो मकड़ी के जाले साफ करवाती है, छत पे लगे रहते ना वो। अच्छा तो सीआईडी वालों की भी बीवियां उतनी ही खतरनाक होती है जितनी की चाय वालों की? अरे हम भी तो आप जैसे नॉर्मल इंसान है, है ना? अरे ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि ये नाथूराम जी कहाँ रहते हैं? नाथूराम नहीं सर, इस नाम का कोई भी इंसान इस गांव में नहीं रहता है। अरे हो सकता है कि कुछ साल पहले रहते हो। आप लोग सरपंच जी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? अरे ये सरपंच जी कहाँ पर है? अरे वो देखिए साहब जो बंडी पहने हुए हैं। हाँ नमस्कार। नमस्ते। किसी को आप लोग ढूंढ रहे हैं क्या? नाथूराम जी को। नाथूराम? उसकी तो 15 साल पहले मौत हो गई। 15 साल पहले? कैसे? कैंसर हुआ था बेचारे को। और ये नाथूराम जी के परिवार वाले? उसकी बीवी 2 साल के बाद गुजर गई और उसका बेटा तेज, तेज नाम है ना बेटे का? हाँ साहब, वो बहुत ही खास लड़का था और वो इतना तेज भागता था कि हम लोगों ने उसका नाम ही हमारे गांव की रेलगाड़ी पे रख दिया था, राजपुर एक्सप्रेस। ये तेज अब कहाँ मिलेगा? अपने पिता की मौत के बाद गरीबी के डंडे ने बहुत लाठियां मारी उसे साहब, तो मजबूरी में उसने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी और फिर एक दिन अचानक अरे सरपंच जी आपको क्या जरूरत है लाइन में लगने की, आइए मैं आपका काम करवा देता हूँ। नहीं विनोद जी नहीं,
आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ऐसा भेदभाव बिल्कुल पसंद है। आपकी यही खूबी तो। अरे क्या कर रहे हो भाई? आवाज नहीं, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आवाज एकदम नहीं। ए! जितना पैसा है सारा का सारा 2 मिनट में मुझे स्टैक में चाहिए। चल जल्दी कर, चल। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी के आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा? उनकी आत्मा मेरे पेट की भूख को शांत नहीं कर पाई तो उनके दुखी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी कर भाई। क्या कर रहे हो यार? चल प्लीज प्लीज। ए बटवा निकाल, निकाल बटवा, चल निकाल। लो भाई। चल 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 निकल। और हाँ, 10 मिनट तक कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। हम लोग बाहर ही खड़े हैं, निशाना लगाए। अगर अपनी अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह पे ही खड़े रहो। अपनी अपनी जगह खड़े रहो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो ये पैसे मेरे हवाले कर दो। सोच क्या रहा है? दे दे पैसे। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगा। ये तुम्हारी नहीं, ये मासूमों की मेहनत की कमाई है। मासूम मैं भी था, क्यों छीनी तुम लोगों ने मेरी मासूमियत? तो गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, मतलब तेज की जान चली गई? जान तो नहीं चली गई, मगर उस हादसे के बाद दोबारा उसे कभी इस गांव में नहीं देखा गया किसी ने। अच्छा, उसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा था? पता नहीं साहब, पर शायद डॉक्टर रवि जानते होंगे क्योंकि वो नाथूराम के बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर रवि आइए सर। आइए सर। सर सीआईडी ऑफिसर्स। हाँ बोलिए सर। मेरा अपॉइंटमेंट आने के लिए माफी चाहते हैं, मगर बात कुछ अर्जेंट है। बोलिए सर। ये आंख आप ही की लैब में बनाई गई है ना? रेटिना टेलीस्कोप आई MH-40, अगर इसे आंख में लगाया जाए तो आदमी 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अच्छा, ये बेल्ट, ये पट्टा, ये भी आपकी लैब में बना है ना? जी सर। इस पट्टे की खासियत ये है कि न इसे तोड़ा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है। हम लोग इसे स्पेसशिप की बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को मिली कहाँ से? इस आंख का इस्तेमाल अखिल नाम का एक शार्प शूटर करता था। और इस पट्टे का इस्तेमाल तेज नाम के मुजरिम ने किया है, कई लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये खास सामान है, हम लोग इसे चुनिंदा लोग को ही देते हैं। मुझे आपके इन चुनिंदा क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट चाहिए। हम सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही ये सामान बेचते हैं या किसी ऐसे लैब को जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो। ये देखिए, तो ये है वो जगह, मेट्रोक्स रिसर्च सेंटर। तेज। मगर आप लोग तेज को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर रवि, वो गुनाह की राह पे बहुत आगे निकल चुका है और हमारा उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? वो समाज के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? उसके तो दोनों पैर ही चले गए थे उस एक्सीडेंट में। तेज अपने दोनों पैर खो चुका था? जान भी चली जाती वो तो अच्छा हुआ कि वो समय से यहाँ आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इलाज के बाद ये तेज कहाँ गया पता है आपको? एक डॉक्टर रघुवंशी आए थे, वो सब अपने साथ ले गए। इलाज के बाद फिर से डॉक्टर? डॉक्टर रघुवंशी कह रहे थे कि
वो तेज का इलाज कर सकते हैं, वो उसे फिर से चला सकते हैं। उन्होंने उसे नए पैर भी देने की बात कही थी। लेकिन ऐसे ऑपरेशन तो बहुत महंगे होते हैं ना, और तेज के पास पैसे नहीं थे। देखिए, डॉक्टर रघुवंशी बहुत भले आदमी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इस इलाज का खर्चा खुद ही उठाएंगे, मुफ्त होगा वो तेज के लिए। सर, लाखों रुपए का ऑपरेशन कोई अजनबी तेज के लिए मुफ्त में क्यों करेगा? पंकज, लगता है इस डॉक्टर रघुवंशी का इसके पीछे अपना कोई स्वार्थ था। अच्छा, ये डॉक्टर रघुवंशी कहाँ मिलेंगे ये तो पता होगा ना आपको? नहीं, मेरे पास डॉक्टर रघुवंशी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, I'm sorry। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डॉक्टर रघुवंशी का पता हम खुद ही लगा लेंगे। कल आ रही हो ना क्लिनिक में? हाँ, वहीं मिलके बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। आप लोग सीआईडी से हैं? जी, फोन पर हमारी बात हुई थी आपसे। जी हाँ, कहिए। काया जी, हमें ये पता चला है कि ये आंख आप ही की एजेंसी ने खरीदी थी। मगर ये आपको कहां से मिली? एक मुजरिम के जरिए, और उस मुजरिम तक ये आंख पहुंचाने वाला आप ही के स्टाफ में से कोई एक है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे स्टाफ का कोई ऐसा क्यों करेगा? ये कहानी तो हम आपको कभी फुर्सत में सुनाएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप किसी डॉक्टर रघुवंशी को जानती हैं? हाँ हाँ, पिछले एक साल तक वो हमारे साथ ही काम कर रहे थे। ये आंख उन्होंने चुराई है क्या? हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर रघुवंशी यहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? कहने को तो वो टेक्निकल डायरेक्टर थे, लेकिन जब कंपनी को पता चला कि वो अंदर ही अंदर कुछ घोटाले कर रहे हैं, तो उन्हें निकाल दिया गया। किस तरह के घोटाले? वो हमारी लैब की सुविधाओं का गैर कानूनी ढंग से इंसानों पे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब उस अकेले की आंखों में वो लेंस और उसके दिमाग में वो चिप इस डॉक्टर रघुवंशी ने ही फिट की थी। हो सकता है। काय जी, अच्छा ये बताइए कि आपको मालूम है कि डॉक्टर रघुवंशी आप कहाँ काम करते हैं? हाँ हाँ, कुछ सुनने में आया है कि मोती डोंगरी के जंगल के पास उन्होंने अपनी एक नई रिसर्च लैब खोली है। मोती डोंगरी। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या करें? लैब के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर रघुवंशी की ये लैब पूरी तरह से गैरकानूनी है। उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है लैब चलाने के लिए। मुजरिम गैरकानूनी काम गैरकानूनी ढंग से ही करते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर रघुवंशी को पिछले काम से निकाल दिया गया है। सर, एक बार गाड़ी रिवर्स कीजिए। वो देखिए, वहां कोई आदमी गिरा पड़ा है। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। लैब कोट पहना है। सुनो सुनो, मर चुका है। माय गॉड, पूरे शरीर पे जलने के निशान है। सर, वो देखिए, एक और लाश पड़ी है। इसके भी शरीर पे जलने के निशान है। सर, हो सकता है शायद आसपास कहीं आग लगी और उसी का शिकार हो गए हों ये दोनों। नहीं मयूर, ये जंगल है और जंगल में जब आग लगती है ना, तो इसकी लपटें दूर दूर से दिखाई देती हैं। ये चक्कर कुछ और ही लगता है। ओह, डॉक्टर रघुवंशी के लैब का कार्ड। मतलब ये दोनों डॉक्टर रघुवंशी के लैब में काम करते थे। खूनी आसपास ही कहीं होगा। चलो देखते हैं। ये देखो,
लगता है किसी और की भी जान खतरे में है। चलो रघुवंशी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, उसके बावजूद टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तेज से तेज भाग पाएंगे? देखो तेज, अब अपनी शक्ति पे इतना अहंकार ये अच्छी बात नहीं है, है ना? क्योंकि शक्ति पे अहंकार ही तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। और ये मत भूलो कि तुम्हें एक मामूली आदमी से इतना शक्तिशाली आदमी मैंने ही बनाया, और तुम्हारा पैर भी मैंने ही ठीक किया, डॉक्टर रघुवंशी ने। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, तुमने हमें अलौकिक शक्तियां इसलिए दी क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा, तुम्हारा स्वार्थ छिपा था। हाँ तो मैं मानता हूँ, एक अच्छे बिजनेस डील का यही मतलब होता है कि इसमें दोनों का फायदा हो, तेज दोनों का। और मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है तुम बताओ? और आज अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तेज, तो आने वाले भविष्य में मैं तुम्हें और शक्तियां दूंगा। भविष्य और अतीत की नहीं सोचते हम लोग, आज की बात करो, अभी की। देखो तेज, अगर ऐसी बात है तो अभी मेरी मौत नहीं, तुम्हारी मौत होगी। मैंने कहा उसे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ छोड़ो उसे। ठीक है, छोड़ दिया। वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वो ऊपर जा चुका है। देखो डॉक्टर रघुवंशी ही बता सकते थे कि कैसे इनकी शक्तियों का सामना किया जा सकता है, मगर उन्हें ही मार दिया इन लोगों ने। सर पता नहीं कहां चले गए वो दोनों। इन दोनों को पकड़ना नामुमकिन है सर। रेडी, उन लोगों ने डॉक्टर रघुवंशी को मारा है, लेकिन डॉक्टर रघुवंशी का लैब तो है ना, वहां से पता चल जाएगा कि इन शक्तिशाली जीवों से निपटना कैसे है। हेलो, हाँ सर, सर उन दोनों ने रघुवंशी और उनके साथ साथ लैब के 6 असिस्टेंट्स को भी मार दिया सर, और डॉक्टर रघुवंशी की लाश को उन्होंने खाई में फेंक दिया है सर। हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सर ने कहा है कि वो दूसरी टीम को लैब में भेज देंगे, तब तक हम डॉक्टर रघुवंशी की लाश को निकालते हैं।
सर एक और लाश। जलने के निशान। सर लगता है इसे बिजली का झटका भी दिया गया है। गोली मारी है और जला भी दिया है। इसका मतलब वो दोनों पूरी तरह से कंफर्म करना चाहते थे कि इस लैब में कोई भी जिंदा ना बचे। सर लगता है उन लोगों को पता चल गया था कि हम यहाँ इन लोगों से उनके बारे में ही पूछताछ करने आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इन सबको मार डाला ताकि उनका राज राज ही रहे। चाहे कुछ भी हो जाए श्रेया, ये राज अब और दिन तक राज नहीं रहेगा। अच्छे से तलाशी लो इस लैब की, या ऐसा कुछ तो मिलेगा हमें जो उनका पर्दाफाश कर दे। सर ये तो कुछ एक्सरे मशीन जैसा गैजेट है। ये तो बिल्कुल वैसे ही गैजेट्स हैं। ये देखिए सर, बिल्कुल अखिल जैसी आंख, और ये वही सारे गैजेट्स जो हमने उन मुजरिमों के पास देखे थे। इसका मतलब ये है कि उन मुजरिमों को इन्हीं से वो शक्तियां मिल रही थी। सर ये देखिए, इस लैपटॉप में उन सारे लोगों की लिस्ट और फोटोज है जिनके लिए डॉक्टर रघुवंशी ने कोई खास बॉडी पार्ट बनवाया था। विद्युत, तेज, विराट, अखिल, चारों के नाम लिस्ट में, और भी कई नाम है। अगर ये लोग एक दूसरे को जानते थे, इतने करीबी रूप से जुड़े हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि विद्युत और तेज बाकी लोगों के खून के प्यासे हो गए? वही तो, यहां तक कि डॉक्टर रघुवंशी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जिनके एक्सपेरिमेंट के बिना वो सिर्फ और सिर्फ साधारण इंसान थे। सर अगर उनको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो इस लिस्ट में जितने भी लोग बचे हुए हैं सब मारे जाएंगे। सर लिस्ट में जितने भी नाम है किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे चलेगा अभिजीत, तुम्हें तो पता है कि सारे लोगों की जान को खतरा है। हाँ सर, सभी लोगों का नाम पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर आई नहीं सर। ये तो खबर हमें तभी मिलेगी अभिजीत, जब हमें यह पता चलेगा कि डॉक्टर रघुवंशी इतनी बड़ी हाईटेक लैब चलाता कैसे है, कौन से पैसे से। हाँ सर, इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे रघुवंशी जी को, तभी तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में कामयाब है वो। वही तो। हेलो, क्या? वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ पे? ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सर लिस्ट में से एक नाम उदय, उसका पता चल गया है। उसकी गाड़ी आज रनवे में एक्सीडेंट हुई थी। कहाँ पे रहता है ये उदय? सर 403 विद्याधर नगर। विद्यानगर, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो गया? मीरा तुम यहां? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था। मैं जानती थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो,
इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। तेज और विद्युत सबको मारे जा रहे, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम भी जान से जाएंगे। हम नहीं, तुम। बहुत हो गई तेरी गोलीबारी। हिलना नहीं, वरना जान से जाओगी। मुझे मारना तुम इंसानों के बस की बात नहीं है। ये तो पूरा नीला पड़ गया है, लगता है इसके शरीर में जहर गया है। कहीं उस लड़की के नाखून में जहर तो नहीं?